क्वेश्चन है, व्हेन ए माइक्रोग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताने हैं क्या हो जाएगी। तो हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mc स्क्वायर, E इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास mc स्क्वायर। A इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर, यहाँ पे c इक्वल टू क्या होता है एनर्जी फॉर्मूला होता है mc स्क्वायर। c हमेशा ही क्या रहता है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10^8 और m माइक्रोग्राम दे रखा है माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 10^-6 माइक्रो में 10^-6 ग्राम करेंगे तो 10^ क्या हो जाएगा -3 यानी कि 10^ क्या हो जाएगा हमारे पास 9, 10^ क्या हो गया हमारे पास -9। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^-9 इंटू में 3 × 10^8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^-9 इंटू 9 × 10^16। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9 × 10^10 कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो इतनी क्या हो जाएगी इतनी एनर्जी क्या होगी हमारे पास होगी 1 माइक्रोग्राम में कितनी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 9 × 10^7 जूल।